हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, बहुत बहुत प्यार मिला आप लोगों की तरफ से। मेरे 1,000 से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुके हैं, चैनल भी मोनेटाइज हो चुका है। थैंक यू गाइस, ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है और ऑल क्रेडिट गोज टू यू गाइस। थैंक यू सो मच। सो गाइस, आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, क्लाइंट इंटरव्यू रिजेक्शन क्यों होते हैं अधिकतर, क्योंकि ये मेरा जेन्युइन एक्सपीरियंस है। मैंने करीब 10-12 इंटरव्यू दिए हैं और मैं उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। देखो, सर्विस बेस्ड कंपनी में जाना बहुत इजी काम है, आप जा सकते हो, इजीली इंटरव्यू होते हैं, हो जाते हैं। बट सर्विस बेस्ड कंपनी के जाने के बाद ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि जाने के बाद मुझे प्रोजेक्ट्स मिल गया। हाँ, अगर इंटरव्यू में आपका प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, तो समझ लो कि आप प्रोजेक्ट्स पे जा रहे हो। अगर इंटरव्यू में आपको नहीं पूछ रहे हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में, डायरेक्ट इंटरव्यू ले रहे हैं, कुछ चीज़ नहीं बता रहे प्रोजेक्ट्स के बारे में, समझ लो आप बेंच पे जा रहे हो, राइट। सो जब सर्विस बेस्ड कंपनी में आपका जब हो जाता है, तो उसके बाद आपको जब प्रोजेक्ट्स लेना होता है तो क्या करना पड़ता है? ऑब्वियसली आपको 2 राउंड इंटरव्यू देना पड़ता है। देखो, पहला राउंड इंटरव्यू किसी भी एचसीएल की तरफ से, टीम लीड हो गया या फिर कोई भी एक स्पेशलिस्ट लीड हो गया जो काम कर रहा है, उसके तरफ से एक इंटरव्यू हो जाता है, राइट। बट ये चीज ध्यान रखना गाइज, क्योंकि ये इंटरव्यू टफ होता है, जो आपने सर्विस बेस्ड कंपनी जाते समय में दिया था उससे टफ होता है गाइज। इसका 2 रीजन है। सर्विस बेस्ड कंपनी आपको हमेशा सीनियर बना के क्लाइंट के पास भेजती है। क्यों? ऐसा क्यों? सपोज आप डेवलपर हो तो आपको सीनियर डेवलपर बना के भेजेंगे। सपोज आप सीनियर डेवलपर हो, आपको लीड टाइप का बना के भेजेंगे। इसमें उनका घाटा नहीं है गाइस, इनमें आपका घाटा है। क्यों? वो टाइटल ऐसे ही बांट देते हैं कि ले लो टीम लीड, आर्किटेक्चर, सीनियर डेवलपर। इनमें बहुत से बंदे खुश जाते हैं कि यार मुझे टाइटल मिल गया, बट इसमें घाटा है गाइस। क्लाइंट को वो पैसा कमाने के लिए टाइटल बढ़ा देते हैं। सपोज आप 4 साल के हो ना, तो वहां पे वो रिप्रेजेंट करते हैं कि आप 5 साल के हो, 5.5 साल के हो, आप लीड हो, उसके अनुसार आपसे वो पैसा लेते हैं, मतलब क्लाइंट की तरफ से पैसा लेते हैं। सपोज आप 1 लाख के सैलरी हो ना, तो क्लाइंट से डबल और ट्रिपल सैलरी लेते हैं उधर से, तो भेजते हैं। इनमें उनका फायदा, आपका नहीं। इसलिए क्लाइंट हमेशा टफ इंटरव्यू लेता है। क्यों? सपोज आप 4 साल के हो, आपको रिप्रेजेंट किया आपके सर्विस बेस्ड कंपनी ने क्लाइंट को 5.5 साल बोल के, तो ऑब्वियसली क्लाइंट तो अब टफ लेगा ना गाइस, वो पैसा भी दे रहा ज्यादा। तो इसलिए क्लाइंट राउंड इंटरव्यू इजी नहीं होते हैं, टफ होते हैं, बहुत डीपली जाते हैं और प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछते भी हैं। सपोज जैसे मेरा एक्सपीरियंस था, मैं जैसे कि अभी डीबी बैंक पे हूँ, ड्यूजे बैंक, ये जर्मनी की बैंक है। सो इसमें क्या हुआ कि एचसीएल का कोई बंदा ने मुझे, टीम लीड ने मुझे इंटरव्यू लिया। भाई मुझे लगा कि ये जनरली से क्वेश्चंस बेसिक पूछ के हायर कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है गाइस, ये डीपली एकदम अंदर अंदर तो जाते हैं, ठीक है ना। ये पूछे, मैंने 1-2 राउंड तो मैं करीब 1-2 क्लाइंट के लिए मैं तो रिजेक्ट हो गया, मुझे उम्मीद ही नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। फिर मैंने प्रिपेयर किया, फिर दिया एग्जाम, और ये रिटर्न क्वेश्चंस भी ले लेते हैं गाइस कि ये रिटर्न दिखाओ, कोई क्वेरी लिख के दिखा दो, एकदम टफ लेते हैं गाइस, उम्मीद भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जानते हैं ना, बंदे को टटोलना है कि क्लाइंट के सामने ये फेल ना हो जाए, राइट। अगर मैं इसको इंटरव्यू लेके क्लाइंट के सामने भेजता हूँ तो क्लाइंट भी तो क्वेश्चन पूछेंगे ना गाइस। अगर वहां पे ये जवाब नहीं दे पाया या कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, तो उनका इनका परफॉर्मेंस डाउन होता है कि कैसे हैं ये बंदे जो क्लाइंट पे भेज रहे हैं। इसलिए वो बहुत टफ एग्जाम लेते हैं या टफ इंटरव्यू लेते हैं, फिर भेजते हैं। और क्लाइंट भी, भाई साहब, वैसे भी क्लाइंट इंटरव्यू जो लेते हैं ना, वो भी बहुत डीपली प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछते हैं। और आपको खासकर इस चीज में, जैसे आप अगर किसी प्रोजेक्ट्स के लिए जा रहे हो, प्रोजेक्ट्स पे रिक्वायर्ड है, जैसे सपोज मैं .NET हूँ तो मुझे यहाँ पे कोर भी चाहिए, सीक्वल भी चाहिए, कभी कभी बोल देते हैं ओरेकल भी चाहिए, तो वहां पे ये फोर्स करते हैं कि नहीं नहीं ओरेकल नहीं चाहिए, बस एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बट क्लाइंट वहां पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं ओरेकल साइड से कि ये क्या होता है डेटाबेस में, ये क्या होता है, आपको जवाब देना पड़ता है मुझे नहीं आता, वो डायरेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि बेसिक फंडा ये है बेस कंपनी का, सर्विस बेस कंपनी का, कि इनको क्लाइंट से पैसा कमाना है। आपको एक मजदूर टाइप को दिखाते हैं कि ये मेरा मजदूर है, ये 12 घंटा काम कर लेगा, ये 10 दिन काम अकेले कर लेगा, और उनसे वो पैसा लेते हैं। मैंने बताया था ना कि आपका 1 लाख सैलरी है ना, तो ये 2-4 लाख क्लाइंट से पेमेंट लेते हैं, तब आपको भेजते हैं काम करने के लिए। तो सोचो, क्लाइंट ऐसे ही नहीं छोड़ेगा ना आपको, कुछ ना कुछ तो सीखेगा ना, मतलब कुछ ना कुछ तो पूछेगा ना टफ, कि ये बंदा कितना झेल सकता है प्रोजेक्ट्स पे, कितना नहीं झेल सकता है। बिलीव मी गाइज, मैं जिस प्रोजेक्ट्स पे हूँ, मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, और वहां पे इन्होंने 4-5 साल दिखाया है कि ये बंदा काम कर लेगा, अच्छा है, लीड बनने वाला है। गाइज, इसमें आपका घाटा है। अगर वो टाइटल देते हैं ना आपको कि भाई ये टीम लीड ले लो, आर्किटेक्चर ले लो, मत लेना गाइज।
अगर आपको पैसा बढ़ा रहे हैं तो लेना, नहीं तो अदरवाइज मत लेना, टेंशन बढ़ेगा। जितना ऊपर पोजीशन में जाओगे क्लाइंट आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि भाई काम करके दो। सपोज आप जूनियर डेवलपर हो और आपको सीनियर डेवलपर का पोजीशन दे दिया गया क्लाइंट पे, तो क्लाइंट ये सोचेगा ना कि भाई बंदे को आता है तभी तो सीनियर दिया होगा ना, प्रॉब्लम ये है। तो ये खुश मत हो जाना कि मुझे टाइटल मिल गया मैं बहुत चैंप हूँ, या नहीं आपका घाटा है। तो गाइस ये सब चीजों से बच के रहना। और दूसरा चीज, अपने आप को प्रिपेयर करो अच्छे से, बिकॉज कि आपका फीडबैक आपके एचआर के पास, आपके रिपोर्टिंग मैनेजर के पास जा रहा है गाइस। सो कोशिश ये करना कि 3-4 से ज्यादा ड्रॉप मत करना, इट मीन के रिजेक्ट मत होना क्लाइंट राउंड इंटरव्यू में, बिकॉज ये आपका फीडबैक देता है क्लाइंट आपके एचआर को और आपके रिपोर्टिंग मैनेजर को। ये भी हो सकता है कि 6-7 क्लाइंट इंटरव्यू होने के बाद आपको बोलते कि गाइस आप देख लो अपना दूसरा। तो ये चीज प्रॉब्लम है। और हाँ, जब आप प्योर डेवलपमेंट में जाते हो ना तो इंटरव्यू काफी टफ हो जाता है, बिलीव मी गाइस इंटरव्यू काफी टफ हो जाता है। अगर सपोर्ट में जा रहे हो ना तो कभी कभी एक राउंड में ही आपको बोलते हैं ठीक है ओके आप कब से ज्वाइन कर रहे हो, मैं प्रोसीड कर रहा हूँ आपका जो भी फॉर्मेलिटीज है, तो ये होता है। बट डेवलपमेंट है ना तो भाई साहब बिलीव रखो कि आपको पानी पिला पिला के क्वेश्चन पूछेंगे। मेरे साथ हुआ है, मैंने सोचा कि अरे यार 30 मिनट का ये 15 मिनट का इंटरव्यू कॉल होगा ले लेंगे, भाई नहीं ये लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना सोचा नहीं होगा, पसीना छूट जाएगा गाइस। ऐसा मैंने ऐसा फेस किया है। और देखो गाइस मैं एक सजेशन ये देता हूँ कि कभी कभी क्लाइंट बहुत मेहरबान हो जाता है आप पे, जैसे कि कोई टीम लीड आपका फीडबैक अच्छा दे दिया ये बंदा अच्छा है, तो क्लाइंट बस केवल ये पूछता कि ये प्रोजेक्ट से आप कर लोगे, तो हाँ कभी कभी ये भी होता है ये, बट 4-5 से 10% ले लो, बट 90% गाइस प्रिपेयर करके जाना, हमेशा प्रिपेयर रहो। या आप अगर दूसरे कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो ना, जैसे कि आप एसेंचर का इंटरव्यू दे रहे हो, आपका एक राउंड हो गया, आप बोलते हैं कि क्लाइंट राउंड है, तो ये कभी कभी आपको डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स पे भी हायर कर लेते हैं। तो गाइस क्लाइंट राउंड को कभी हल्के में मत लेना, पहली बात। आप जितना अपने आपके तरफ से जितना प्रिपेयर कर सकते हो ना कर लो, प्रोजेक्ट्स पे क्या काम किए हो, क्या आपका रोल था, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था, कितना दिन काम किए हो, क्यों छोड़ रहे हो, ये सब तगड़े से प्रिपेयर करना। अगर ये प्रिपेयर नहीं करते हो ना तो क्लाइंट को रिजेक्ट करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, चाहे आप कितनी भी अच्छे हो। बस ये सब का प्रिपेयर करना और हो जाएगा। एक दो बार आप जब भी इंटरव्यू दोगे ना क्लाइंट का, आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि ये क्या पूछ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगर हाँ, एक चीज और बता दूं गाइस, अगर आपको लगता है कि ये स्किल्स आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो डायरेक्ट पहले ही राउंड में मना कर दो कि ना मेरे पास ये एक्सपीरियंस नहीं है, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट, ऐसे मना कर दो ताकि आपका टाइम बचे, दूसरे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करो। और गाइस कुछ भी हो मुझे ईमेल करो, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया ईमेल। और गाइस प्लीज फॉलो माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।